जैसा कि आप जानते हैं ये महानगर है, कानपुर महानगर है। यहाँ लंबे समय से मेयर बीजेपी का है, यहाँ विधायक बीजेपी के, सरकार बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो हालात कानपुर महानगर में आज की तारीख, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोड हो, जो गड्ढा मुक्त योगी जी कर रहे थे, शायद गड्ढा युक्त तो सड़कें पूरे प्रदेश में मिलेंगी लेकिन गड्ढा मुक्त कोई भी सड़क नहीं मिलेगी। इसको लेकर जनता में आक्रोश भी है, लेकिन जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो अपने मैंडेट के नाम पर लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, संविधान में जो अभिव्यक्त की आज़ादी है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। इसका अगर कोई प्रखर विरोध, मुखर विरोध कर सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई भी इनसे संसद से लेकर सड़क पर निकल नहीं सकता है। आज ये टेलर है, आने वाले नगर निगम के चुनाव जो आ रहे हैं हमारे, उसमें हम आगाह करते हैं कि नगर निगम जो उसकी ड्यूटी है, चाहे रोड की लाइटें हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क सीवर की समस्या हो, चाहे कूड़े का निपटारा हो, आज जितना स्वच्छ भारत का ये नारा देते हैं उससे ज़्यादा ज़बरदस्त कूड़ा कानपुर में कभी महानगर में रहा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये झूठ की अब सरकार चलने वाली नहीं है, अब लफाजी से भी ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। नोटबंदी और GST से आम आदमी करा रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति आएगी जब लोग रोटी के लिए गोली चलाने का काम करेंगे, छीन कर रोटी खाने। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी है, उनकी सरकार है। पंजाब में जो कांग्रेस जीत हासिल करी है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो पंजाब एक टेलर है, नगर निगम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में वो सेकेंड टेलर होगा। और इसीलिए मोदी जी ने जो प्रदेश और देश की एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं, उन्होंने गुजरात को हिमाचल के साथ चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। वो सोचते हैं पहले हिमाचल देख लें, अगर उसमें स्थिति ठीक हो तो उसी की बात हम गुजरात में रखकर वोट मांगने का काम करें। हमें पूरी उम्मीद है कि उनका गृह, उनका घर, उनका वो मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात में ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों ने अपनी जो अकाउंट की स्लिप है उसमें लिख दिया है हमारी भूल कमल का फूल। मेयर का चुनाव होने वाला है, अभी कोई चेहरा निकला अपने? बिल्कुल निकलेगा, महिलाएं हैं हमारे पास, कई एक हैं, अभी नहीं तय होगा, कमेटी में तय होगा, प्रदेश कमेटी में जाएगा, हम लोग तय करेंगे। हम लोग मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ने का काम करेंगे।